में प्रयास कोविड सेंटर में अब तक एक भी मौत नहीं हुई है। साथ ही इलाज के लिए भर्ती मरीजों को बेहतर सुविधा मिल रही है। मरीजों ने बताया है कि वे कोविड सेंटर की सुविधा से खुश हैं। इतना ही नहीं, मरीजों ने कोरोना योद्धाओं की जमकर तारीफ की। वहीं कोविड सेंटर के नोडल अधिकारी डॉक्टर नरेश साहू ने बताया है कि एक महीने में 506 मरीज भर्ती हुए हैं, जिसमें से 450 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। हाल ही में 56 मरीज भर्ती हुए थे, जिसमें ड्यूटी कर रहे डॉक्टर उसे उनका अनुभव साझा करने पहुंचे। हमारे संवाददाता, कैसे मरीज ठीक हो रहे हैं, चलिए आइए देखते हैं। संक्रमण का दौर प्रदेश में जारी है और लगातार लोग संक्रमित हो रहे हैं, तो हम सभी को ये जानना जरूरी है कि जो कोविड हॉस्पिटल है वहाँ क्या व्यवस्था है, यहाँ पे अभी क्या स्थिति है, कितने मरीज अब तक आए हैं, कितने मरीज अभी डिस्चार्ज हुए हैं? यहाँ ये कोविड सेंटर जो है 4 सितंबर को यहाँ पे शुभारंभ हुआ। आज एक महीने कंप्लीट होने पे लगभग 505 मरीज यहाँ एडमिट हो चुके हैं, और जिसमें 450 मरीज स्वस्थ होके डिस्चार्ज होके चले गए हैं घर, जो घर वापसी। अभी वर्तमान में यहाँ पे 50 मरीज जो है भर्ती हुए हैं। अभी वर्तमान में रजिस्ट्रेशन किया जाता है, नाम पता पूरा एड्रेस लिखा जाता है, और उसके बाद 5 दिन 7 दिन का मेडिसिन उसको दिया जाता है, साथ नए बेडशीट वगैरह उनको प्रोवाइड किया जाता है, सुबह नाश्ता दिया जाता है, पोहे और चाय बिस्किट ये। उसके बाद दोपहर में इनको 1 बजे दोपहर का भोजन मिलता है, और रात्रि में इनको 8 बजे रात्रि का भोजन मिलता है। पेशेंट दवाई के साथ काफ़ी दवाई तो देते हैं, उसके साथ मानसिक काफ़ी तनाव और नींद नहीं आना, बहुत सारा ऐसा उनको प्रॉब्लम का समस्याओं को हमने देखा है, तो उनको हमारा प्रयास रहता है उनको मानसिक तनाव दूर करना, उनका मनोबल बढ़ाने का पूरा प्रयास रहता है। उसमें हम लोग पहल ये करते हैं, सुबह मॉर्निंग में उनको सुबह योगा योगा कराते हैं, उसके साथ ही साथ भक्ति संगीत का जो रहा धार्मिक जो भक्ति संगीत उनको सुनाया जाता है। यहाँ पे और भी स्टाफ है, उनसे जानेंगे हम। लगातार ये लोग ड्यूटी कर रहे हैं 1 महीने से, आप लोग लगातार ड्यूटी कर रहे हैं, तो क्या मन में डर होता है कि कभी भी हम संक्रमित हो जाएंगे? जी नहीं सर, हम लोग को डर नहीं लगता है, हम लोग बहुत सेफ्टी से यहाँ पे वर्क करते हैं और प्रिकॉशन से वर्क करते हैं सर। कार्य पर डटे हुए हैं और यहाँ सेफ्टी का सारे इंतजाम है, कैमरा वगैरह सब लगा हुआ है, तो हम अपने कार्य पर लगातार डटे हुए हैं। मेडिसिन वगैरह दोगे तो और सांत्वना देना पड़ता है, उन समझाना है जैसे कि उसको कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ रिलैक्स होकर रहिए, आप घर घर की तरह व्यवहार हो रहा है, यहाँ पे खाने पीने से सारे सुविधाएं हैं आपको। हम लोग घर में भी जाते हैं तो एक कमरे में अपने आप को अलग से क्वारंटाइन करके ही रहते हैं, ताकि हमारे थ्रू कोई भी संक्रमित ना हो, यदि हम हो भी जाए। अभी तक ऐसा देखने को तो नहीं आया है, पर फिर भी हम अपनी सुरक्षा से रहते हैं, ताकि हम स्वयं सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रख सकें। आपके साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। बुलेटिन में इतना ही, कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।